सबसे पहले अपने को ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है इसका डिस्टेंस डाल के अपने को सेट करना है, चेक करना है कि इसका लिस्ट काउंट जीरो है कि नहीं। इसके बाद इसको निकालना है, आप जिसका भी मेजरमेंट लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आउटसाइड है, डाया लेना है इस चीज़ का, तो आप इसको ओपन करेंगे, ये एक बार में अगर यहाँ पे जीरो है, एक बार घूमता है तो 0.5 घूमता है। लिस्ट काउंट दिखाइए इसका, लिस्ट काउंट ओके, इसको हमेशा यहाँ माइक्रोन से चलाना पड़ता है। ये सर जीरो है, उसके बाद ये जब एक बार घूमता है सर 0.5 घूमता है, ये 0.50 माने हाफ एमएम, ये दोबारा जब घूमता है तो ये 1 mm होता है। जैसे कि ये 0.5 हम बोलते हैं तो ये नीचे वाला जो लकीर है आपको दिख रही होगी अच्छी तरह से, नीचे देखिए ये 0.5 का है, और ये जब एक बार और घूम जाता है तो ऊपर का 1 mm ये दिख जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं, ये अभी देखिए क्या है, ऊपर का 1 mm भी दिख रहा है और नीचे का 0.5 मैंने 1.50 अभी इसका डाया है। और बढ़ाइए, और थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये 2.5 mm कीजिए, 2.5 mm, 2.5 mm ओके, ये हो गया 2.5, हाँ 2.5, ये 2.55 हो गया। उसके बाद अच्छा, 0 रहेगा तो 5 है ना। हाँ हाँ, अब ये सर थोड़ा सा इधर आ जाएगा तो ये अपना 4.5 हो जाएगा, 2.45, ये 2.50, 2.55, 2.60, 2.65, 2.7, 2.75, 2.8, ऐसे करते हुए ये फिर से 3 mm हो गया, 3 mm हो गया ओके। तो ये है आउटर आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर ओके। लिस्ट काउंट कितना होता है इसका? 0.01 सर, 0.01 mm, हाँ जी सर, चलो वेरी गुड।